चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ व्हील विद 10 मेटालिक स्पोक्स ईच 0.5 मीटर लॉन्ग इज रोटेटेड विद द स्पीड ऑफ दिस नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड एट द प्लेस इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड इज 0.04 गॉस दैट ड्यू सीएमएफ बिटवीन द एक्सल ऑफ द रिंग इज। ठीक है, तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एसआई में नहीं दी हुई है, 0.04 गॉस दिया हुआ है। तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10^4 गॉस होता है, तो 1 गॉस इज इक्वल टू 10^-4 टेस्ला होगा, होगा ना, 10^-4 टेस्ला। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.04 × 10^-4 टेस्ला। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 4 × 10^-6 टेस्ला भी लिख सकते हो। ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी आपकी एसआई में नहीं दी हुई है, फ्रीक्वेंसी 120 रिवॉल्यूशन पर 1 मिनट दिया हुआ है, तो इसको आप लिख सकते हो 120 रिवॉल्यूशन बाई 60 सेकेंड, यानी ये जगह 2 रिवॉल्यूशन पर 1 सेकेंड, ये फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, अब लेंथ L दिया हुआ है, L जो है 0.5 मीटर दिया हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड तो हो गया, ये हो गया। अच्छा, अब एक्सल देखो, जैसे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि और अगर ए बी जो रॉड है और ए पॉइंट फिक्स है और बी मूव कर रहा है बी वेलोसिटी, तो बी की वेलोसिटी हो गई बी और ए की वेलोसिटी हो गई जीरो, और अगर ईएमएफ है बी ए बी और ये वी एवरेज होता है, वी एवरेज की वैल्यू कितनी होगी, वी ए प्लस वी बी बाई टू, वी की वैल्यू जीरो प्लस वी बाई टू, वी एवरेज की वैल्यू आ गई, वी एवरेज की वैल्यू आ गई वी बाई टू, और ये वी बाई टू वैल्यू उठा के अगर ईएमएफ के इक्वेशन में हम पुट कर दें, जैसे यहाँ ईएमएफ इजिकल टू बी एल वी एवरेज, ठीक है, तो ईएमएफ इजिकल टू बी इंटू एल इंटू वी बाई टू, ये हो जाएगा ईएमएफ की वैल्यू 1/2 बी एल वी, ये हो जाएगा ईएमएफ। तो ए अगर एक की जगह ज्यादा रिम्स होंगे तो यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इस तरह के जितने भी आप सेल लगा दो इस तरह से, अगर ये मूव कर रहे हैं तो ये हाई पोटेंशियल, ये भी हाई, ये भी हाई, ये भी हाई, और ये सेंटर वाला लो पोटेंशियल पे होगा, तो इस तरह से बहुत ढेर सारे एक सेल हो गए और वो सारे के सारे सेल पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्टेड है, यानी पैरेलल में हो गए, नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्टेड है, पैरेलल, पैरेलल में जो नेट ईएमएफ होगा वो एक ही सिंगल सेल के ईएमएफ के बराबर होता है, और सिंगल सेल का ईएमएफ अभी हम लोगों ने निकाला है 1/2 बी एल वी। तो अब जो नेट ईएमएफ की वैल्यू होगी वो कैलकुलेट होगी, बी की वैल्यू रखी जाएगी 4 × 10^-6, एल की वैल्यू 0.5, अच्छा ओमेगा की वैल्यू, बी की वैल्यू कितनी होगी, बी की वैल्यू हम लिख देते हैं वी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है या एल ओमेगा, और इसको ओमेगा की जगह आप 2π(ν) रख दो, लिखिएगा 2π(ν), यहाँ पर v की जगह अगर मैं v की जगह अगर मैं रख दूँ सीधे l इंटू 2π(ν), यानी l स्क्वायर हो जाएगा, ये तो l स्क्वायर कर दिया हमने इंटू 2π, पाई का मतलब 3.14 इंटू 2 फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। तो अब देखो ये 2 इस 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 6.28, ये 0.5, ये हो गया 4, ये कितना हो जाएगा 4 × 10^-6, इस 0.5 का स्क्वायर कितना होता है 0.25 इंटू 6.28, अगर इसको कैलकुलेट किया 0.25 इंटू 4 1 होता है, 1 × 10^-6 इंटू 6.28, ये हो गया फाइनली 6.28 × 10^-6 वोल्ट। तो ईएमएफ की वैल्यू ये आ गई, नेट ईएमएफ जो पूरे रिम का होगा, कौन सा ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, डी वाला ज्यादा अप्रोप्रिएट है। ठीक है,